नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। दोस्तों, ये एक पुरानी न्यूज़ है, लेकिन ये एक गंगा एक्सप्रेसवे का जो अलाइनमेंट है, कहाँ से शुरू होना है, कहाँ से नहीं शुरू होना है, इसके संबंध में एक स्पष्टीकरण है जो कि उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि यूपीडा की तरफ से मेरठ के मंडल आयुक्त के लिए ये पत्र दिया गया था। विषय था गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के संरेखण के संबंध में। डिटेल्स में मैंने इस लेटर की कॉपी भी वीडियो में डाली हुई है, आपको मिल जाएगी। इसमें बताया गया है कि जनपद मेरठ से प्रयागराज तक जो गंगा एक्सप्रेस वे निर्माण है, तो एलएन मालवीय इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड हाईवे इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्ट एंड सिविल सॉल्यूशंस को परामर्शी के रूप में यूपीडा द्वारा अनुबंधित किया गया था। उन्होंने जो पूर्व में सर्वे किया था वो जो है प्रस्तावित दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे के पैकेज संख्या 4 के 57 किलोमीटर 57 यानी काशी से शुरू होकर के प्रयागराज में जो है जूदापुर डांडो ग्राम के समीप ख़त्म होने तक का किया था। अलाइनमेंट के अनुसार गंगा एक्सप्रेसवे की लंबाई 602 किलोमीटर आकलित की गई थी, लेकिन उक्त संरेखण पर जो है अन्य विभागों के जो है विचारोपरांत कतिपय संशोधन प्रस्तावित किए गए और जो है संशोधित विकल्पों पर प्रमुख सचिव लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण लोक निर्माण विभाग एवं यूपीडा के अधिकारियों से साथ हुई बैठक में विभिन्न विकल्पों पर विचार किया गया। ऐसे है कि एक्सप्रेस वे मेरठ जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 के किलोमीटर 16 बिजौली के साम ग्राम के समीप से प्रारंभ होकर मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संबल, बदायूं, शाहजहाँपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ होते हुए जनपद प्रयागराज के जूतापुर टांडो ग्राम के समीप प्रयागराज बाईपास पर समाप्त होगा और इसके अनुसार एक्सप्रेसवे की लंबाई जो 594 किलोमीटर आकलित की गई है। उक्त संरेखण में चयनित संरेखण प्रस्तर 1 के अनुसार ही केवल प्रारंभिक बिंदु दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे के पैकेज संख्या 4 के स्थान पर मेरठ बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 चयनित किया गया है और मेरठ बुलंदशहर मार्ग से दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे उसके आगे के भाग में परियोजना के द्वितीय चरण में निर्माण लिया जाना प्रस्तावित है। अतः आपसे अनुरोध है कि कृपया प्रस्तर संख्या 3 के अनुसार चयनित संरेखण के अनुसार अवगत होते हुए परियोजना के संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। इस जो पत्र है, इस पत्र से स्पष्ट होता है जो कि यूपीडा ने मेरठ मंडल के उपायुक्त को दिया है, उसके साथ साथ ये जो है और भी लोगों को इसकी प्रति दी गई है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि जो आपका एक्सप्रेसवे है उसकी प्रस्तावित जो प्रारंभिक बिंदु है वो है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 334 जो कि किलोमीटर 16 के पास से इसका स्टार्ट होना है और उसके आगे की हेतु जो है बाद में इसका द्वितीय चरण में निर्णय लिया जाएगा कि वो काशी से आगे जाएगा तो उसका जो चयन होगा वो बाद में लिया जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मेरी द्वारा दी गई ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और इस जानकारी से एक बात तो ज़रूर स्पष्ट हो जाती है, भले ही अभी DPR आने में थोड़ा सा विलंब हो रहा है, लेकिन फिर भी इस पत्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो गंगा एक्सप्रेसवे है वो वहीं से शुरू होना है। अभी इस पर ज़्यादा विचार विमर्श ना किया जाए तो ही बेहतर है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें।